अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुबिला नवीद परिंदनामा की एक नई वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जैसा कि रमज़ान का मुबारक महीना गुजर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, मैं काफ़ी अर्से बाद अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और लेट वीडियो अपलोड करने की वजह यह है कि मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं थी और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई नई वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। तो आज मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा था, मैंने कहा अपने व्यूअर्स के लिए नई वीडियो बनाता हूँ, कुछ अपडेट्स वो शेयर करूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन हो बर्ड्स के रिलेटेड आप मुझसे पूछें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माशाल्लाह बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न शुरू है और माशाल्लाह फेजेंट्स ने लेइंग स्टार्ट कर दी है। तो अभी मेरे पास जो है लेडी एमएस्ट ने भी लेइंग स्टार्ट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पास इसका सेकंड एग जो है वो आ चुका है। और एक और जो है वो मेजर अपडेट ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्विन होज और सिल्वर फेजेंट्स के चिक्स की हैचिंग भी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं आप लोगों को इनक्यूबेटर भी दिखाऊँगा कि चिक्स अभी जो रिसेंटली हैच हुए हैं, और आज जो है मैं आपको डिटेल से इनका ब्रूडिंग प्रोसेस कि मैं किस तरह इन्हें ब्रूडर में प्लेस करता हूँ तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो जो है ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेल फुल ब्रीडिंग प्लूमेज में है लेडी एमएस्ट का। मेरे पास जो है एक और मैंने नया पेयर ऐड किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो मेल फीमेल को काफ़ी ज़्यादा मार रहा था, एग्रेसिव था, तो मैंने फ़ीमेल को अलग कर दिया दूसरे पेयर की। तो मैं देखूँगा अगर बाद में पॉसिबल हो सका तो उस फीमेल को दोबारा पेयर अप करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पुराना ट्रायो है वो तो उन्होंने लेइंग स्टार्ट कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे फर्टाइल एग्स आ रहे हैं। तो चलें अंदर चलते हैं और इनक्यूबेटर में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, माशाल्लाह ये देख सकते हैं अभी मैंने इनक्यूबेटर ओपन किया है और ये आप देख सकते हैं ये वाला एग भी हैच हो रहा है कि माशाल्लाह स्विन उसका है, और एग्स भी नीचे रखे हुए हैं। लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने बताया था आपको इनक्यूबेशन का जो प्रोसेस था कि जो लास्ट 3 डेज़ होते हैं हैचिंग के, जैसे अब ये जो स्विन होज और सिल्वर फेजेंट्स हैं ये 24th डे से हैचिंग इनकी स्टार्ट होती है और 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये है कि मैंने इन्हें 20th डे के ऊपर इन एग्स को रोटेशन ट्रे से नीचे रख दिया था। माशाल्लाह देखें और एग्स भी हैं, और अभी हमारे पास माशाल्लाह 2 चिक्स जो हैं वो हैच हो चुके हैं। ये आप देखें, ये इनमें हमारे पास सिल्वर फेजेंट और स्विन होज फेजेंट के चिक्स हैं। तो ये जो राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं ये सिल्वर फेजेंट का है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो स्विन होज फेजेंट का है। तो माशाल्लाह ये आप देखें ये हैच हो चुके हैं और भी मज़ीद चिक्स इंशाल्लाह हैच हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपको प्रोसेस दिखाऊं और ये अपडेट आपको दूं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फर्दर ऐसी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।